तो इसमें खेरपाई करें। इसी तरह जो है, और इसके अंदर ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि सब हम सोचे कि मर्दों के लिए ही है, औरतों के लिए, औरतें इसमें शामिल है, सब उनको भी करना है, अलग से उसके लिए बयान करने की जरूरत नहीं है, ये औरतों को भी करना है, ये औरतों के लिए भी है कि मुसलमान के मुसलमान औरतें भी मुसलमान है तो उनके ऊपर भी सारे हक आते हैं, सारे उनको भी अदा करना है, उनको भी करना है। तो इसी तरह जो है सातवीं चीज है कि जब वो कसम अगर डाले किसी मामले के अंदर, कसम खाकर कोई काम उसको करने दे जो शरी हो, शरी काम हो, और उस पर अल्लाह की कसम डाल के दे दे कि तुमको कसम में काम करना पड़ेगा या कोई ऐसा मसला है जिसको आप कर सकते हैं, तो फिर आप उस काम को आपको करना लाजमी है क्योंकि हक में से वो कसम खा के उसने आपसे करने को कहा। गैर शरी है तो बात अलग है, आप इस्तेताद के बाहर है तो वो बात अलग है, आप उससे माजरा चाहे भाई मेरी इस्तेताद ही नहीं, कसम दे दे, कसम है तुझे अल्लाह की 1,00,000 रुपये उधार दे, अब यही नहीं आपके पास तो फिर कहाँ से देंगे, कि बोले अब मुझे मालूम पड़ गया हक में से दे तू, तो बोले यार वो है ही नहीं मेरे पास, मैं दूंगा कहाँ से, तो वो भाई माजरत उसके अंदर मेरे पास नहीं, मेरे पास में नहीं। तो जो शरी हो जिसको आप कर सकते हैं तो वैसी कसम जो आपको दे रहा है तो आप उसको पूरा करना जरूरी है, आप उसको करें। हरामकारी का कोई काम है या धक्के धक्के पे कसम हो जाती, नहीं तो आजकल तो लोगों क्या है कि जिन मालूम भी नहीं होता तो धक्के धक्के पे कसम, कसम से ही काम करवा दे, लेकिन दिन रात का उनका काम ही हो जाता, माल बेचना, कसम उससे काम करना, कसम तेरी कसम, बाप की कसम, उसकी कसम, जान की कसम, दुकान की कसम, धंधे की कसम, वो सब ये कहाँ से आए, सारे नाम फिल्मों से, फिल्मों के नाम है सारे, तो सब वो सारे दिन भर कसम ही कसम, धक्के धक्के पे कसम, वो काम ही धक्के कसमें पर हो रही, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बस ये कि शरी काम हो, सही काम हो तो उसके लाजमी है कि वो कसम खाए तो उसको पूरा करे। और ये सही बुखारी में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जायज़ काम की अगर कसम दे तो उसको पूरी करना ज़रूरी है, उसको तुम पूरी करो।